बच्चों आज का अपना विषय है खाद एवं उर्वरक। कक्षा 8 के पाठ 1 का अति महत्वपूर्ण उपविषय है खाद एवं उर्वरक। आज हम सीखेंगे कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, क्यों हम इन्हें अलग अलग कहते हैं। बच्चों इनकी बनाने के तरीके और इनके अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्वों में अंतर होता है, वह क्या क्या है देखते हैं। तो खाद क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है और यह खाद हमें पौधे और जंतुओं के अपशिष्ट से बनाया जाता है और वहीं से हम इसे अपनी फसल के लिए इस्तेमाल करते हैं। खाद के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में ह्यूमस होता है जिससे हमारे खेत की मिट्टी अत्यंत ही पौष्टिक बनती है और इसके अंदर पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में हो जाते हैं। अगला जो है वो है उर्वरक। उर्वरक भी खाद की तरह मिट्टी के अंदर मिलाया जाता है उसकी पोषकता को बनाने के लिए, परंतु यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। यह पौधे या जंतुओं के अपशिष्ट से नहीं बल्कि रसायनों की सहायता से फैक्ट्रियों के अंदर बनाया जाता है, इसलिए इसे हम उर्वरक कहते हैं और यही इनका एक विशेष अंतर भी है। साथ ही इसमें ह्यूमस की बजाय पादप पोषक भरपूर मात्रा में होते हैं जो हमारे पौधों को आवश्यक हैं, वो इसके अंदर सभी पोषक पाए जाते हैं। तो खाद में तो हमने क्या क्या इस्तेमाल किए थे, पौधे की पत्तियां, पौधे की टहनियां, मवेशियों का गोबर, है ना, इन सब को हमने क्या किया था, एक गड्ढे के अंदर हम डालते जाते इकट्ठा होता जाता है और ये सभी मिलकर के अपघटित होकर के खाद बना देते हैं। जबकि उर्वरक को तो हमने रसायनों की सहायता से फैक्ट्री में बनाया था और इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यूरिया, ये सभी इसके उदाहरण हैं और ये पोषक पाए जाते हैं। तो ये दोनों का अंतर हमने सीखा कि ये क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि इनकी परिभाषा क्या होती है, खाद और उर्वरक हम किन्हें कहते हैं, इन्हें कैसे परिभाषित कर सकते हैं। इनको हम वो पदार्थ जिन्हें मिट्टी में मिलाया जाता है ताकि मिट्टी के अंदर पोषक स्तर जो है वो बना रहे, मिट्टी की पोषकता बरकरार रहे, उसके लिए हम इन पदार्थों को मिट्टी में मिलाते हैं। और इन पदार्थों का हमने क्या नाम रखा है बच्चों, बता सकते हैं? बिल्कुल ठीक, खाद एवं उर्वरक कहते हैं इन्हें। लेकिन अब इनकी क्या आवश्यकता है, आपके मन में आया ना ये प्रश्न, भाई मिट्टी के अंदर तो पहले से ही पोषक तत्व है तो फिर इनको मिट्टी के अंदर मिलाने की क्या आवश्यकता है। एक उदाहरण देखते हैं हम, जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। मान लो हमारे पास दो खेत हैं, खेत क और खेत ब। खेत क का किसान भी अपने खेत में फसल लगाता है और देखने से ही पता चला उसकी फसल कितनी स्वस्थ है, और खेत ब का किसान भी फसल लगाता है, परंतु ये क्या, इसकी फसल तो कुछ अलग है, कैसी है, कमजोर है, ऐसा क्यों हुआ, आप में से कोई बताएगा, सोच सकते हैं आप। देखते हैं, खेत क का किसान अपनी खेत की फसल को खाद और उर्वरक से भरपूर रखता है जिससे उसकी फसल स्वस्थ हुई, जबकि खेत ब का किसान फसल लगाता है और काटता है, इससे क्या नुकसान हुआ। अरे भाई, फसल लगाने और बार बार काटने से मिट्टी में पोषकों की कमी हो गई और मिट्टी कैसी, कमजोर, तो फसल भी कैसी होगी, कमजोर। तो आपके विचार से किसान को क्या करना चाहिए भला, कुछ तो विकट समस्या का समाधान हो। बिल्कुल है, किसान को सही समय और सही मात्रा में खेत कह के किसान की तरह अपने खेत में खाद और उर्वरक मिलाने चाहिए, यही समाधान हो सकता है, तभी उसकी फसल भी स्वस्थ बनेगी। और इसका यही फायदा है कि मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व कम हो गए थे, हम खाद और उर्वरक की सहायता से उन पोषक तत्वों की मिट्टी में पुनः पूर्ति कर सकते हैं जिससे हमारी मिट्टी स्वस्थ रहेगी, यही इसकी परिभाषा। मैम ये तो गमले का पौधा है, क्या हमें गमले के पौधे में भी खाद डालने की आवश्यकता होती है? हाँ बच्चों,
गमले के पौधे भी गमले में डली हुई मिट्टी से ही अपने पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी खेत में करते हैं। तो बच्चों मैं आज आपको खाद दिखाती हूँ कि वह कैसा दिखता है बनने के पश्चात। ये देखो, ये जैविक खाद है, इसमें पौधे और जंतु अपशिष्टों से तैयार किया गया है और इसी खाद को हम गमले के पौधों में भी डालते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, ये जो गमला है इसमें खाद डाला गया है ताकि इसमें लगे हुए भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों को अपनी अलग अलग पोषकों की आवश्यकताओं को ये पूरा कर सके। और बच्चों यहीं से हमें एक और सीख मिलती है कि हमें जो अपने खेत में फसल है वो एक जैसी ना लगा करके अलग अलग प्रकार की लगानी चाहिए, क्योंकि अलग अलग पौधों की जो आवश्यकता होती है पोषक की वो अलग अलग होती है और वो मिट्टी से अलग अलग पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। कोई लंबा है, कोई बेल जैसा है या कोई इस प्रकार का पौधा है, तो इन सब की आवश्यकताएं अलग अलग हैं, तो मिट्टी में एक साथ एक ही जैसे पोषक तत्व की कमी नहीं होती है। इस प्रकार से भी हम पौधों में जो पोषक है उनको अच्छे से भेज सकते हैं और मिट्टी में भी पोषकों की कमी नहीं होती है। तो समझ गए ना कि मिट्टी में पोषकों की पुनः पूर्ति कैसे होती है। तो देखा बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा एक बार नजर डालते हैं। सबसे पहले हमने सीखा खाद और उर्वरक में क्या अंतर होता है, तत्पश्चात खाद और उर्वरक की परिभाषा को हमने जाना, फिर हमने देखा खाद और उर्वरक की क्यों आवश्यकता होती है, किस लिए इन्हें मिट्टी में डाला जाता है, फिर किस प्रकार खाद और उर्वरक से मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति होती है, तो इन सब बातों के बारे में हम सीख चुके हैं। अब हम देखेंगे खाद और उर्वरक दोनों में उत्तम कौन है, किसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो खाद के लाभ देखते हैं, अंतर तो हम पहले ही सीख चुके हैं। तो जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है और इसके कुछ कारण हम अभी सीखने वाले हैं। पहला कारण है, जैविक खाद के इस्तेमाल से मिट्टी को पानी को धारण करने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है, फिर इससे मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है। सरंध्र होने से गैस को निकलने और अंदर जाने में आसानी रहती है, साथ ही इससे मित्र जीवाणु की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है जो हमारे पौधों को विकसित होने में मदद करते हैं। तत्पश्चात जैविक खाद से मिट्टी का गठन, मिट्टी की बनावट में भी सुधार होता है। तो देखा खाद के क्या लाभ हैं।